टोड़ा बाग। देखिए ऐसे ऐसे भी नाम है भाई साहब, हमने तो पहली बार सुना ये। जाम खत्म नहीं हुआ है डाका वड़का, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितनी डाका वड़ा आती है। ये देखिए जिप्सी, जबरदस्त जिप्सी डीजे वाली, आगे में जनरेटर। और आगे देखिए पूरा दूर तक बहुत लंबा जाम है, अभी हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं लेकिन जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सूर्यदेव जी ढल चुके हैं, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में और हम भगवानपुर के नज़दीक लग चुके हैं। थोड़ी देर में हम भगवानपुर पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे इमलीखेड़ा तक जाना है या नहीं, वहीं जाके डिसाइड करते हैं। बाकी चलिए आपको ले चलते हैं साथ। चार्जिंग की पूरी सुविधा यहाँ पे भी उपलब्ध है। देखिए हर खंभे पे कम से कम 6-7 चार्जर लगे हुए हैं और किसी भी चार्जर पे ऐसा नहीं है कि मोबाइल ना लगाओ। मतलब सामने में 7 पिलर लगे हुए हैं, 7 के 7 पिलर पे कम से कम 6-6 चार्जर लगे हुए हैं। रात के 12 बज चुके हैं और फिर भी हमारी टीम बढ़ रही है आगे, अगले शिविर तक पहुंचने का प्रयास करे जा रहे हैं और हम भी बढ़े जा रहे हैं इनके साथ साथ। तो आपको मिलेंगे किसी शिविर में जाके, बाकी देखते हैं कितना टाइम और लगता है।
सुबह के 4 बजे फिर से निकल चुके हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पुल पे पहुंच चुके हैं हम। 170 साल पुराना पुल है ये और आज भी नए जैसा है, और नए का पता नहीं भाई कितने दिन चलेगा, पर ये 170 साल से खड़ा है, आज भी चल रहा है। हाँ, उससे ज़्यादा मजबूत ये लगता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है। जय भोले की। भोले पुरानी कहावत है ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, वो सच्ची है, गलत नहीं है। जय भोले की। हमारे बड़ों का यहाँ रुकने का प्रोग्राम था, ये अपना गागा लेड़ी इमली खेड़ा 7 किलोमीटर, भगवानपुर 15, सहारनपुर 45, यमुनानगर 125। ये गलत लिख दिया भाई, इतना नहीं है, घबरा जाएंगे बच्चे।